हेलो एवरीवन, आई एम श्रद्धा नाथ बशाक। आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स, मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा। एंड टुडे आई वुड लाइक टू विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आज मैं कुछ लाभदायक और जानकारी बातें आप लोगों को बताना चाहूँगी रिलेट विथ डांस। मतलब एक डांस को रिप्रेजेंट करने के लिए जितना ज़रूरी डांस है उसके साथ साथ बहुत है इम्पॉर्टेंट कुछ चीज़ें, जैसे कॉस्ट्यूम्स, मेकअप। मतलब आप जो डांस कर रहे हैं उसके अनुसार अगर कॉस्ट्यूम पहना जाए तो वो डांस ज़्यादा बेहतर लगता है। जैसे पर्टिकुलर जो सॉन्ग्स है, मतलब जिस डांस जो डांस हमें करना है, जैसे बीहू, अगर बीहू फोक डांस करेंगे तो नॉर्मली बंगाली पैटर्न साड़ी पहनेंगे और आँचल को सामने से लाके प्लीट करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। जैसे पंजाबी फोक डांस, उसमें अगर हम साड़ी पहन के करेंगे तो उतना अच्छा नहीं लगेगा जितना सलवार सूट में लगेगा। सो डिपेंड करता है। जैसे ऐसे तो नॉर्मली और बेसिकली मतलब कथक, ओडिसी, भरतनाट्यम सबके अलग अलग कॉस्ट्यूम्स होते हैं, लेकिन जब आप सेमी क्लासिकल करते हैं और डिफरेंट पैटर्न के करते हैं तो गाने के साथ साथ जो जाएगा, जो अच्छा लगेगा, उसे पहनने से डांस ज़्यादा खिल के बाहर आता है, वो ज़्यादा अच्छा लगता है। जैसे हमारे अगर सारे वीडियोस आप देखे होंगे तो अभी मैं जो बोल रही हूँ आप रिलेट कर सकेंगे कि मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। लेकिन हाँ, जैसे बहुत सारा डांस करना है तो कॉस्ट्यूम्स डिफरेंट चाहिए, तो ये भी नहीं कि बहुत सारा कॉस्ट्यूम्स आपको ख़रीदना है, बहुत सारा कॉस्ट्यूम्स रखना है, वैसा नहीं है। आप मिक्स मैच करके भी पहन सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड करेगा कि आप कौन सा डांस कर रहे हैं। जैसे सेमी क्लासिकल अगर डांस है तो आप यूजुअली घाघरा, लहंगा जिसको बोलते हैं, उसके साथ अगर कुर्ती या टॉप जो भी है वो पहन सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास एक ही टॉप है तो कभी आप उस टॉप को सेकेंड, थर्ड या दूसरे डांस में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन नीचे वाला आप चेंज कर लीजिए और दुपट्टा चेंज कर लीजिए। कभी अगर नीचे वाला चेंज नहीं करना है, मतलब लहंगा या स्कर्ट जो भी है, तो कम से कम दुपट्टा या ऊपर का चेंज कर लीजिए। तो ऐसा मतलब थोड़ा सा आपको वो समझ के कर लेना पड़ेगा। लेकिन मैं ये बोलना चाह रही हूँ, जैसे अगर सेमी क्लासिकल डांस है तो उसमें बहुत सारे ऑप्शन तो हैं ही। और जैसे मान लीजिए अगर भजन भजन टाइप का कुछ है तो उसमें यूजुअली साड़ी पहन के, और जैसे मेकअप तो नॉर्मली सारे एक ही रहते हैं, डिपेंड करता है सिर्फ ज्वेलरी किसके साथ कौन सा जाएगा। बट आप जैसे अगर भजन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, भजन डांस, तो उसमें अगर साड़ी पहनेंगे तो ही वो बेस्ट ऑप्शन रहेगा। ऐसे मेल डांसर या मतलब मेल जो डांस करेंगे उनके पास तो बहुत सारे ऑप्शन नहीं रहते हैं, बट वो जो भी पहनेंगे वो बेस्ट होगा या बेस्ट होता है। बट फीमेल डांसर, बच्ची, सभी के लिए मैं यही बोलूँगी कि आप लोग जैसा डांस कर रहे हैं राजस्थानी फोक डांस में, लहंगा, फिर सेमी क्लासिकल दूसरे टाइप में भी साड़ी चलता है, लहंगा भी चलता है, तो वो आप सोच समझ के डिपेंड मतलब गाना जैसा है उसके अनुसार आप कॉस्ट्यूम पहनिए तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। और जैसे आप हमारे अगर सारे वीडियो देखे होंगे तो वीडियो के ऊपर मेंशन रहता है कि कौन सा डांस है, और मैं एकदम पर्टिकुलरली उस डांस के अनुसार ही कॉस्ट्यूम पहनती हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। और एक चीज़ बहुत किसी से मैंने सुना है या मुझे फील हुआ तो मैं आज वही बोलना चाहूँगी कि बहुत किसी को लगता है कि बैकग्राउंड अच्छा नहीं है तो डांस अच्छा नहीं हो सकता है।
बट ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। बैकग्राउंड तो मैटर करता है, अगर आप किसी फंक्शन या प्रोग्राम में डांस करते हैं तो बैकग्राउंड अच्छा होना ही पड़ेगा। लेकिन अभी खास करके जब इस कोरोना काल में, इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन में, हम लोग जैसे अभी घर से वीडियो कर रहे हैं या डांस कर रहे हैं, तो सबके घर में ओपन स्पेस होगा या रूफ़ होगा, इट इज़ नॉट कंपलसरी और नेसेसरी ना, बट आप कहीं पे भी डांस कीजिए, डांस अच्छा से करना है तो ही डांस बिल्कुल अच्छा लगेगा। जैसे मतलब ऐसा कभी नहीं सोचना है कि मेरे घर में या मेरा डांस अच्छा नहीं लग रहा है या अच्छा नहीं हो रहा है बिकॉज मेरा बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, वैसा बिल्कुल नहीं है। कभी कभार होता है कि बैकग्राउंड अच्छा है लेकिन फिर भी डांस अच्छा नहीं लगता है, मतलब कभी हो जाता है ना। तो इसलिए मैं यही बोलूँगी, अभी मतलब इन दिस सिचुएशन थ्रू विच आर गोइंग एक्चुअली, मैं यही सबसे बोलूँगी कि आप लोग डांस करो, अच्छा से डांस कीजिए, और अच्छा से डांस करने के लिए बहुत सारा प्रैक्टिस कीजिए, और डांस के अनुसार ही मेकअप कॉस्ट्यूम कीजिए, और डांस करने के टाइम में जो दो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो है स्माइल और एक्सप्रेशन, और जैसा पॉस्चर, मूवमेंट, फिर जिधर हैंड जैसे जा रहा है, अगर मैं ऐसे कर रही हूँ तो इधर देखूँगी, ऐसे इधर देखूँगी, फिर नीचे कर रही हूँ ऐसे देखूँगी, ऊपर कर रही हूँ तो ऊपर हाथ की तरफ देखूँगी, तो ये सारा अगर आप ध्यान में रखेंगे डेफिनेटली यू कैन रिप्रेजेंट अ बेस्ट डांस। और तो ये हो गया डांस से रिलेट कुछ बातें। मैं उम्मीद करूँगी कि जो भी डांस पसंद करते हैं या करना चाहते हैं, अगर वो लोग इन बातों को थोड़ा अप्लाई करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। और ये छोड़ के, आज जबकि नए वर्ष का दिन है, तो रियली फ्रॉम माय हार्ट आई वुड लाइक टू से थैंक यू टू द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स ग्रुप, बिकॉज एज ए पार्ट ऑफ दिस ग्रुप, एज ए मेम्बर ऑफ दिस ग्रुप, आई रियली ऑलवेज फील फॉर्चुनेट एंड हैप्पी कि आई गॉट अपॉर्चुनिटी टू रिप्रेजेंट माई डांस, टू टीच डांस। और इसके साथ साथ मैं उन सारे टीचर्स के लिए एकदम सैल्यूट करना चाहूँगी जो डे बाई डे दे आर गिविंग देयर 100%, दे आर हार्ड वर्किंग, दे आर कंटिन्यूसली एनकरेजिंग आस टू मूव फॉरवर्ड। तो उनमें से तो बहुत सारे जन हैं, सबका नाम लेना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं उन सारे टीचर्स को बाई हर्ट थैंक यू बोल रही हूँ, क्योंकि आपके लगातार कोशिश से और आपके लगातार इनक्रेजमेंट से ही हमें वो हौसला मिलता है कि हम कुछ सिखाएं। जितना भी बिजी शेड्यूल रहे उसमें से टाइम निकाल के लगता है कि नहीं, मतलब हमें सिखाना है, हमें बोलना है, सो थैंक यू। एंड इसके साथ साथ और एक चीज़, जब हम लोगों ने जर्नी स्टार्ट किया था, या मैं हमारे बारे में बोल रही हूँ कि जब मैंने ज्वाइन किया था इस ग्रुप को, तब बहुत सारे साथियों का क्लास में देखती थी, बहुत अच्छा लगता था, बहुत कुछ सीखने को मिलता था, बट पिछले कुछ महीनों से या कुछ दिनों से उनका क्लास मैं नहीं देख पाती हूँ, मतलब क्लास वो लोग शायद नहीं दे पाते होंगे, तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोगों के क्लास से सिर्फ बच्चे ही नहीं, हम बड़े या हम टीचर्स भी बहुत लाभान्वित होते थे। तो प्लीज़ कोशिश कीजिए अपना क्लास देने का, ताकि हम सब को एक दूसरे के क्लास से ही प्रोत्साहन मिल सके,
और हम सब एक दूसरे को एनकरेज कर सके और जितना हो सके दूर दूर तक और सारे बच्चों तक हम इस ज्ञान को पहुंचा सके, बांट सके। और मैं उम्मीद रखूंगी कि बहुत जल्दी मैं उन सारे साथियों का क्लास देख सकूं फिर से। आज बस यहीं तक, और मैं फिर से आप सबको नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं दे रही हूँ। सो प्लीज़ टेक केयर, हैव ए गुड डे एंड विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू।